सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक ऐसा गेम खेलने वाले हैं जिसमें पोकेमोन एनिमे होता है। सो सबसे पहले हम लोग गाइस एक ऐश को चुन लेते हैं, मतलब कि जो फेवरेट है एंड इसका नाम हम लोग अपना रख देंगे। सबसे पहले तो अपना नेम रख के देखते हैं, लेकिन इस गेम को खेलने के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज मुझे पोकेमोन एनिमे सीरीज बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। एंड मैंने माइनक्राफ्ट में पोकेमोन का मोड डाल के खेला था, बट उसका सेकंड एपिसोड नहीं आ पाया बिकॉज यार वो वाला जल्दी डिलीट हो गया था। कोई बात नहीं, तो गाइस आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यू पोकेमोन जर्नी, जिसमें गाइस आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे एपिसोड्स आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकल चुके हैं घर से, भाई सो रहा था तू तो, इसने लिया है बट कोई बात नहीं। सो गाइस मेरा चार्मेंडर इसका बल्बासोर ऐसी की तैसी खत्म भाई एक ही मिनट में। सो गाइस आज हमारा फर्स्ट बैटल होने वाला गैरी ओक के साथ। अबे तेरी सिंगल एचपी बचा, आई होप यू कैन ट्रीट वेल। ये क्या था भाई, मेरा चार्मेंडर बहुत तगड़ा है। हां मैन, गैरी ओक कितना कमजोर है अपने सामने। एंड गाइस अपने लोगों ने पहला जो मैच है उसको जीत लिया है। अरे इसके पास रेटेटा भी है, मतलब ये मुझसे पहले ही सारे पोकेमोन ले चुका है। ये भी गया भाई, ये चार्मेंडर भाई, ये मिस्टी कहाँ से आ गई भैया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं गाइस, ये दूसरा ट्रेनर है, गैरी नहीं है। एंड रेटेटा भाई ये वही बच्चा है जो गाइस हम लोगों को पोकेमोन में एस को बहुत परेशान कर रहा था अपने कैटरपी से लड़ने के लिए। एंड मुझे चार्मेंडर मिल चुका है। एंड गाइस हो सकेगा तो इस वाले एपिसोड में हम लोग गाइस बोल्डर बैज मतलब कि प्यूटर शहर से ब्रॉक को हरा के एंड ओबे ब्लेज़िक भाई गया, मैं गया। It's all over, guys. मुझे लगा था कि कोई सस्ते मध्य आ रहे भाई। ब्लेजी गन है, वो भी लेवल 5 का भाई। ये मेरा चार ओवर, ये क्या है? गैरेडोस? गैरेडोस कहाँ से है मेरे पास? भाई 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 आराम से आराम से। मैं गाय वॉल्यूशन, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या है भाई। मेरे ख्याल से ये ट्राई के लिए मिला है क्योंकि बाद में पकड़ना है ना हम लोगों को। भाई मेगा एवोल्यूशन इतनी जल्दी इंट्रोड्यूस करा दिया गया इस गेम में, वाओ भाई। अब ब्लेज़िक बता 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 तू बता मेरे से लड़ेगा है गाइस? खत्म यार, मेगा एवोल्यूशन हमसे क्या लड़ेगा जब इसको खुद आता ही नहीं कुछ। गाइस हम लोगों ने बहुत सारे लोगों को हरा दिया है। अब ये कौन आ गए? प्रिपेयर फॉर ट्रबल, नहीं दुनिया को बचाई से लड़ाने के लिए लड़ाने। भाई मैं इनका डायलॉग भी भूल गया, कोई बात नहीं द भैया, इन लोगों का डायलॉग सुनना भी नहीं हमें यार। जैसी जेम्स टीम रॉकेट हमारी लंबी है हाइट, सरेंडर करो वर्दा करो हमसे, फाइट फाइट फाइट। गाइस याद है यार मुझे थोड़ा। एंड अपने पास गाइस पिकाचू भी आ चुका है, एंड लास्ट टाइम मैंने वहीं लड़ते लड़ते पीजी भी पकड़ लिया था। अपने पास 3-4 पोकेमोन हो चुके हैं, मतलब पीजी तो मेरा भी लेवल 3 का है, ज्यादा कुछ है नहीं भाई। चलो देखते हैं पीजी अपना क्या क्या कर सकता है। एंड हो सकेगा तो गाइस चार्मेंडर को भी इवॉल्व भी कराना है बिकॉज यार अपना चार्मेंडर अभी कमजोर पड़ रहा है बाकी पोकेमॉन्स के सामने, जैसे कि ग्रास टाइप के सामने भी थोड़ा थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, जैसे कि उनका विकसित रूप आ जाता है अपना चार्मेंडर। सो थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो अभी मेरे पास 2 ही पोकेमॉन है, एक चार्मेंडर और एक पीजी। सो गाइस ये हो गया ट्रेनर अपग्रेड। एंड ये टीम रॉकेट क्या है यार फुद्दू सा, ये गैरी ओक दोबारा आ गया। ओह शिट मैन, गैरी ओक गया। ओके स्क्वर्टल कौन सा है इसके पास? रुको मैं पीजी से आऊंगा। इसके पास स्क्वर्टल कहाँ से है पहले तो मुझे ये बताओ। कोई ऐसा थोड़ी चलता है मेरे पास अभी भाई, बल्बासोर भी नहीं आया एंड इसके पास स्क्वर्टल स्क्वर्टल सब कुछ आए पड़े हैं। हारा ये मेरे से, आज की डेट पे ये हारा मेरे से। अगर ना भाई मेरा पीजी लेकिन कमजोर पड़ रहा है, लेकिन मेरा लेवल 6 का पीजी एंड इसका लेवल 5 का गाइस। हम लोग ने लड़ते लड़ते अपने पोकेमोन को लेवल अपग्रेड भी कर लिया है, मतलब कि एक एवोल्यूशन होता है एक लेवल अपग्रेड होता है। लो हम लोगों का लेवल अपग्रेड की वजह से हम लोग सारे के सारे गेम इजीली विन कर सकते हैं। एंड स्पियरो, अबे यार पीजी के सामने स्पियरो को भेज रहे, आ जा भाई तुम आ जाओ, तुम अब आओ। मेरा चार्मेंडर तेरा खुला कुछ नहीं बिगाड़ पाऊंगा। मेरे सामने ग्राउल कर रहा है भाई, वो पागल है गैरी ओक। सो सबसे पहले हम लोग इसके ऊपर एम्बर फेंकते हैं एंड स्पेयर पिक से। नहीं 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 मजा नहीं आएगा। एंड लेकिन पता है ये वाला गेम खेलने के लिए मैंने बहुत सारा, मैंने पहले तो सीख रहा था लेट्स गो पिकाचू को कैसे करें डाउनलोड, ये वो फलाना दिमाना, पीसी तो था नहीं, सो इसीलिए लेट्स गो पिकाचू तो नहीं मिला। बट मैंने पोकेमोन के कुछ गेम सर्च करे तो उसमें मेरे को मॉन्स्टर ऑफ ग्लोरी नाम का गेम मिला। मुझे को लगा मॉन्स्टर ऑफ ग्लोरी कुछ समझ में नहीं आया, बट उसके बाद पता चला कि ये गेम बहुत ही ज्यादा मस्त है। एंड लेट्स गो
पिकाचू से थोड़ा बहुत इंस्पायर्ड भी लगता है कि पहले ये आया वो आया कुछ समझ नहीं आ रहा, बट लेकिन ये गेम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग भी डाउनलोड करके खेल सकते हो। एंड चार्मेंडर और नाइस भाई पिंसिल ने मेरा माचो पढ़ा दिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। एंड गाइस माचो तो मुझे किसी ने एक आंटी जी ने फ्री गिफ्ट कर दिया, कहा कि बेटा तुम्हारे पास पोकेमोन की कमी है तुम मेरा माचोप रख लो। मैंने कहा सच में, कही थी हाँ रख लो, लेकिन माचोप पहली हार, मतलब हारा तो नहीं लेकिन भाई पोकेमोन तो हारा ना, पोकेमोन हारा तो हम भी हारे। सुगा चार्मेंडर इवॉल्व हो रहा है भाई, मेरा चार्मेंडर इवॉल्व होके 4 मिलियन बन रहा है, व्हाट द हेक बॉयस। अब तो गाइस कोई जीत ही नहीं सकता मुझसे भाई, मेरा 4 मिलियन हो गया है। लेकिन अगर मेरा 4 मिलियन हो गया है तो बाकी कोई भी तो अच्छे होंगे। एंड माचैप एंड पिकाचू गाइस, पिकाचू तो कुछ नहीं करना मेरे को, प्रोफेसर एक वो कह रहे थे मेरे पास एक ऐसा पोकेमोन है जो किसी की बात नहीं मानता, 4 बार भाग चुका है, तो मैंने कहा मुझे दे दो, तो प्रोफेसर ने मुझे पिकाचू जो है वो गिफ्ट कर दिया। बट लेकिन इतना सब तो ठीक है, लेकिन गाइस हमें एक प्रॉब्लम है, हम लोगों ने इतने सारे पोकेमोन तो पकड़ लिए, हम लोग बोल्डर शहर भी आ गए हैं। अब बारी आती, मतलब मैं बोल्डर शहर आने का सारा सीन कर दिया बिकॉज अब बारी आती है हमें ब्रॉक से लड़ने की। एंड ब्रॉक से लड़ने के लिए मैं साइथर बल्बसोर और चार्मेंडर का यूज करने वाला, मतलब कि बहुत पोकेमोन पकड़े हम लोग ने इस स्टेज तक आने के लिए। सो वेयर इज द जिम द ब्रॉक, मैं जा रहा हूं ब्रॉक के पास। एंड जैसे ही ब्रॉक हारता है हमें मिलेगा अपना कैंटो रीजन का फर्स्ट पोके, मतलब फर्स्ट बैज जिसका नाम होता है बोल्डर बैज पोटसरी का। एंड उसके बाद मिस्टी वाली जिम विलम भाई मैं उसका नाम भी भूल गया यार, नहीं हम लोग चलते हैं आगे फाइट करना है ब्रॉक से। तो सभी को पता है ब्रॉक एक बहुत ही बढ़िया जिम लीडर है। सो सबसे पहले ब्रॉक को हराने के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स का यूज़ करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन्स से तो मैं नहीं हरा पाऊंगा, लेकिन हमें कुछ उस टाइप के पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि कोई मतलब मेन होता है इसके लिए वाटर टाइप, एंड वाटर टाइप अपने पास एक भी नहीं है। सो मैं इससे बल्बसोर से तो इसको आराम से हरा सकता हूँ। तो सबसे पहले बल्बसोर को हम लोग इक्विप कर देते हैं, एंड बल्बसोर वाइन वेव से अपने आप ही इसको हरा देगा। सो वाइन वेव इसका पावरफुल होगा मेरे ख्याल से, बिकॉज रॉक टाइप परफेक्ट पोकेमॉन्स को फिजिकल टाइप से वो होता है डिसएडवांटेज। तो अपने पास फिजिकल टाइप पोकेमॉन बस एक ही है जिसका नाम है बल्बसोर, जो अपनी वाइन वेव से कुछ कर सकता है। मेरा बल्बसोर कुछ नहीं हरा देगा, मेरे को विश्वास नहीं होता बल्बसोर फर्स्ट मैच हार चुका है। तो हम लोग गए 4 मिलियन को उतारते हैं, और भाई 4 मिलियन मेरा एक एम्बर से इसको ख़त्म कर सकते, मैं बता रहा बिकॉज उसकी हेल्थ इतनी कम है। अब चाहे मेरा डिसएडवांटेज में हो उसका एडवांटेज में, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज गाइस हम लोग भाई उसकी हेल्थ कम थी इसको हराया। अब बार इसका ओनिक्स, इसी का इंतजार मुझे पता था ओनिक्स आएगा। तो सबसे पहले ओनिक्स आने से पहले ओनिक्स को तो हम लोग एम्बर मार मार के ओनिक्स का भरता बना देंगे। इतना एम्बर मारेंगे भाई, नॉट वेरी इफेक्टिव भाई, तेरा कहाँ इफेक्टिव है, मेरा तो तुझसे जा रहा भाई। वो एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज में तो समझ ही नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से वो डिसएडवांटेज में बैठा है अभी। ओनिक्स और 4 मिलियन की लड़ाई में 4 मिलियन, हाउ इज दिस पॉसिबल भैया। गया भाई इसका ओनिक्स लास्ट एम्बर। एंड इसके बाद गाइस हम लोग खरीदेंगे ओनिक्स का खात्मा, ये ले तेरी, इतना खतरनाक मैंने सोचा नहीं था। एंड मेरा भाई मेरा 34 HP 34 35 बस एक हेल्थ का मेरा, लेकिन मेरे पास अगर मेरे को अटैक का पावर, यस मेरे पास ओवर है, अगर उसको अटैक का मिलता तो वो मुझे हरा देता, बट मेरे को अटैक का मिला तो मैंने उसको आराम से हरा दिया है। एंड ब्रॉक के क्या कि तू बढ़िया ट्रेनर है, तुमने मेरा इतना कम, भाई ब्रॉक के पापा फ्लिंट नाम है ना इसका, फ्लिंट एंड स्टील, मजाक कर रहा फ्लिंट एंड स्टील। एंड ये मिस्टी कहाँ से आ गई, एस वो अंदाज़ के भाई बस बल्बस और हार गया उस बात का दुखी है। मेरा बैच किधर है, डीएनए कार्ड मेरा बैच है, बी कैप्सूल मेरा बैच है, ये नजल मेरा बैच है, भाई क्या है मेरा बैच, भाई बोल्डर बैच दो, मैं दोबारा नहीं लड़ूंगा तुझसे भाई, बल्बस और हार गया वो मानता हूँ, बट नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, नहीं यार मेरा बैज, ओ मिला, या ओ बैज, ओ वी गॉट इट बोल्डर बैज, जिससे कि गाइस हम लोग किसी को भी दिखा सकते कैंटो रीजन का फर्स्ट जिम लीडर को हम लोग ने हरा चुके। अब बारी आती बाकी के सारे जिम लीडर्स को हरा के बनना है
पोकेमोन मास्टर उसके लिए गए थे हम लोगों को बहुत सारे, मतलब कि इस सर्वर पर, जिस सर्वर पर मैं खेलता हूँ ना, इस सर्वर पर बहुत ही अच्छे अच्छे ट्रेनर है जिनके पास बहुत ही सही सही सामान है। एंड इसलिए मुझे यार ये बच्चा मुझे हमेशा परेशान करता है जब देखो ये हमसे लड़ने के लिए कहता है। बट मेरे पास गाइस पता है ना 4 मिलियन है, 4 मिलियन इसके सारे के सारे पोकेमोन को यूं हरा देगा। यार क्या भेज रहा है, मेटापॉड बटरफ्ली। हाँ यार मेटापॉड अच्छा पोकेमोन है। सबसे पहले हम लोग 4 मिलियन को लेते हैं। एंड एम्बर अटैक, मार एम्बर, मार भाई एम्बर, मार एम्बर, एम्बर एम्बर। ओ भैया भैया 158 गया ये मेटापॉड। स्लीप पाउडर नहीं, स्लीप पाउडर नहीं। ओ मैन गया मैं। गाइस अब मैं चाहे जो भी अटैक करूँ उससे कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो 4 मिलियन है मेरा वो स्लीप के निंद्रा में सो रहा है। सो इससे अच्छा गाइस हम लोगों को भाई कैसे हराओ, मैं तो समझ नहीं आ रहा। एंड ये गेम गाइस मुझसे पूछो पूरी की पूरी पोकेमोन सीरीज को एक साथ डिफाइंड करती है, बिकॉज ये जो गेम है ये 5 पोकेमोन सीरीज का ही एक हिस्सा समझ लो। जैसे कि उसमें सारे के सारे बच्चे उसको परेशान करते थे, वैसे इसमें मेरे को परेशान करेंगे। एंड मैं भाई जीत गया, मैं कह रहा था भाई मैं उठूंगा, एक मिनट तो उठूंगा ना। तब अब ले एम्बर तुम, ये स्क्रैच खत्म करो, स्क्रैच अबे बच गया स्क्रैच से, मुझे इससे अच्छा एम्बर फेंकना चाहिए था। कंफ्यूज भाई मेरा पोकेमोन कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं अब एम्बर ले ले, नहीं स्क्रैच से ही खत्म कर देते हैं। ओ मैन खत्म, गाइस हम लोगों ने इसको हरा दिया। अभी और कोई है तेरे पास? अबे ककून को भेज दिया एक ग्राउंड टाइप, बल्बसौर किससे हार जाएगा? साइथर, साइथर शायद जीत जाए, साइथर शायद जीत जाए, साइथर जीतेगा। हार